हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान ब्लॉग के अंदर। उसमें कैसे हम सभी लोग प्लीज कमेंट करके जो बताएं। और आज का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत में अभी सुबह से कर रहा हूँ। आज है संडे और संडे को भी आज हमारी ड्यूटी लगी है, कहीं शिविर है तो उसमें व्यवस्था के लिए, तो हम सुबह जाएंगे और शाम को 5-6 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे, अब हम आपको वहीं आगे जहां बस आएगी वहीं मिलते हैं, ठीक है। और जहां मुझे अगर मौका मिला तो मैं जरूर आपको बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और हो सकता है ये व्लॉग 2-3 पार्ट्स में आए, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं लेट हो रहा हूं और शेविंग वगैरह कर लिए मैंने, तो चलिए चलते हैं। और यहां पर दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं, मैं मेरे दोस्त के घर पहुंच गया था यहां पर, और वहां से फिर हम बस मिलेगी तो उसके अभी चल रहे हैं बस के लिए हम, और आगे हमारे और साथी लोग भी खड़े हैं। चलिए अब मैं उनसे भी मिलाता हूं आपको यहां पर। देखिए तो ये है हमारे साथ के और टीचर्स हैं, तो हम सभी लोग जा रहे हैं यहां पर। देखिए और यहां पर मैं एक फ़ोटोशूट भी कर रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक दीदी का इंतज़ार कर रहे थे हम, क्योंकि वो टेम्पो में आए थे इस कारण। तो यहाँ पर देखिए अभी वो आ चुके हैं। ये देखिए, ये है ललिता दीदी, तो ये सबसे लास्ट में आए थे क्योंकि टेम्पो में आए थे, सबको प्रणाम कर रहे हैं देखिए हम। और ये देखिए इनके आते ही इनके पीछे पीछे बस भी आ गई, और हम सभी लोग पहुंच चुके हैं बस के लिए राजा साइकिल बस स्टॉप है जहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो स्कूल बस है, ये है भगवानगंज विद्यालय की बस है जो हमें ले जाएगी सीधे। मैं बताई देता हूँ आपको कि हम जा रहे हैं आज पुष्कर। पुष्कर में क्षेत्रीय प्रवासियों की जो बैठक है उसमें जा रहे हैं, और हमें व्यवस्था के लिए जाना है वहाँ पर, और तैयारी करी बहुत सारी। तो चलिए अभी चलते हैं। और यहाँ पर मैं देखिए बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पर दीदी है, तो हम लोग बस पर बैठ चुके हैं यहाँ पर। और ये देखिए अभी हम मिलाते हैं वो लोगों से भी आपको। तो यहाँ पर ये है दोस्तों इसको माटरगंज ब्रिज है, इसको लाल फाटक भी बोलते हैं वैसे, पूरा हमारे पूरे गाँव के लोग तो लाल फाटक ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ लाल फाटक बने हैं इस कारण। और यहाँ पर और लोगों को भी हमें लेना है अभी, तो हमें जा रहे हैं। और यहाँ पर जो माटरगंज ब्रिज है वहीं हमें एक और बंधु मिल गए थे, तो उनको भी हमने बस में ले लिया है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज है GCA, हमारे अजमेर का सबसे बड़ा कॉलेज है ये। और ये देखिए आगे बस का कुछ नज़ारा इस प्रकार। और अभी हम पहुंच चुके हैं ये देखिए भगवानगंज विद्यालय। और भगवानगंज विद्यालय में देखिए ये दीदियां सभी लोग खड़े हैं, गुरुजी दीदी यहीं पर सब लोग, और यानी दीदी यहाँ खड़ी हो, गुरुजी लोग उधर से जो सामान है वो बस में भर रहे हैं। और अभी सभी लोग हम बस में बैठ चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए सभी लोग। और अभी हम बस का इंतज़ार करें कि बस कब चले और हमें जाना, हम बहुत एक्साइटेड हो रहे थे वहाँ जाने के लिए। तो ये देखिए अभी बस रवाना होने वाली है, और यहाँ पर हम सब तो थोड़ी सी मजाक भी कर रहे थे। और यहाँ पर ये लोग और आए, केकड़ी से आए थे ये लोग, तो ये लोग जाएंगे गाड़ी पर। और देखिए बस रवाना हो चुकी है, और अभी हम निकल चुके हैं रास्ते में भगवानगंज विद्यालय के बाहर से है, बाहर का व्यू है ये देखिए आप यहाँ पर। और अभी हम चल दिए हैं, ये देखिए रास्ते का व्यू थोड़ा सा बहुत ही सुंदर। हमारा अजमेर का भी टूर कराऊँगा आपको, और पुष्कर का जो टूर है वो वहाँ का जो क्या क्या काम किया हमने वो आपको 1-2 दिन के व्लॉग में मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए अजमेर क्लब है यहाँ पर, और अभी चल रहे हैं अजमेर में ही हम। और ये देखिए दोस्तों सामने आना सागर झील, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, आप देखते ही रह जाएंगे। अजमेर स्मार्ट सिटी, और यहाँ पर देखिए ये है यहाँ पर, ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ आना सागर झील का। बहुत सारे लोग सेल्फी वगैरह और घूमने आते हैं यहाँ पर शाम से मेरे। और चारों तरफ अब जो है चारों तरफ आना सागर जो झील, उसके चारों तरफ कितना सुंदर लग रहा है व्यू देखिए आप। और सामने दिखी वो नाग पहाड़ी, उस पहाड़ी के पीछे है पुष्कर, ठीक है। और अभी जो घाटी उसका मैं आपको व्यू मतलब टूर कराने वाला हूँ, दिखाऊँगा आपको तो किस प्रकार की है वहाँ की जो घाटी, पुष्कर घाटी अभी देखने को मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आप आना सागर देखिए, तो यानी आप सोच लीजिए बहुत सारा जो अजमेर का टूर है वो भी आपको आज के व्लॉग में हो जाएगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं तीसरा विद्यालय हमारा जो विद्या भारती का है यहाँ पर, पुष्कर मार्ग में है विद्या भारती विद्यालय। तो यहाँ पर अभी ये देखिए यहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें लेनी थी तो वो ले ली हमने। और दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं जो पुष्कर घाटी है वहाँ पर, अभी हम यहाँ से सीधी चढ़ाई कर रहे हैं। और आगे देखिए महाराणा प्रताप स्मारक भी है, और तो
जी देखिए यहाँ पर है महाराणा प्रताप स्मारक, और इसका हम मैं दिखाऊंगा आपके बाद में। देखिए वो देखिए घोड़े पे चेतक पे बैठे हुए हैं महाराणा प्रताप जी, और यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है। और यहाँ पर कभी मैं जाऊँगा तो आपको यहाँ का मतलब टूर पूरा कराऊंगा, बहुत अच्छे से दिखाऊंगा यहाँ का जो व्यू है जो बहुत ही सुंदर सा है। और इसीलिए मैं आपको पूरा विद्यालय जो यहाँ का व्यू है वो दिखा रहा हूँ, कैसे किस प्रकार से जो है पहाड़ों को काट कर किस प्रकार से जो रास्ता बनाया गया है पुष्कर और हमारे जो अजमेर के बीच में ये पहाड़ है, तो इसको काट के रास्ते बनाए हुए हैं। और ये देखिए घाटी, और ये जो घाटी यहाँ पर बहुत ही मुश्किल भरी घाटी है, जो भी हम जा रहे हैं बस में से, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक वगैरह लगा के ही आना जाना रहता है ठीक से, वरना दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर व्यू है, और बरसात के दिनों में आओ तो ये हरियाली छाई हुई बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। तो अगली बार जब भी मैं आऊँगा तो बारिश के दिनों में आऊँगा, आपको यहाँ पर जो टूर कराऊँगा यहाँ का। और यहाँ का जो जंगल है इन पहाड़ियों में, तो भाई हाँ मतलब नहीं जा सकते, यहाँ पर शेर वगैरह और पता नहीं कौन कौन से जंगली जानवर बहुत सारे रहते हैं। और यहाँ पर एक ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर भी आते हैं लोग। और यहाँ से अभी हम यहाँ से ये मेन पॉइंट है ऊपर का, ठीक है, और यहाँ से वापस जो है नीचे की तरफ जा रही है घाटी। ये देखिए अब यहाँ से अब जो है रिटर्न हो चुकी है। मेन पॉइंट वो था जो मैंने अभी बताया था, वो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर, और वहाँ से अब सीधा ढलान है नीचे की तरफ, और कैसे पहाड़ियों को काट कर, और इतना घना जंगल है भाई क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ से, और रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े बाके टेढ़े भाई, डर लगता है इनमें जाते हुए बस में भी सच में। और मैं तो आज तक कभी गाड़ी पर भी नहीं गए यहाँ से, क्योंकि कभी मेरा बैठा ही नहीं कि जैसे कि मैं गाड़ी पर जाऊँ यहाँ से। और यहाँ पर जो पहाड़ का व्यू कितना सुंदर सा व्यू देखिए आप। चलो अभी तो मतलब सर्दी का मौसम है, तो पत्ते वगैरह खर गए हट गए पेड़ों के, तो यहाँ पर कुछ पेड़ें दिखे हैं उन पे तो अच्छे से हरियाली दिख रही है। बाकी यहाँ पर धोकड़े और बहुत सारी जो वनस्पतियाँ हैं यहाँ पर हैं देखने को। ये देखिए आप कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, पहाड़ियों के बीच में से रास्ता, हिमाचल से कम नहीं है हमारा जो क्या कहते हैं पुष्कर घाटी जो है, जैसे हिमाचल में टेढ़े बाकी रोड होते हैं ना पहाड़ों को काट काट के, वैसे ही हमारे यहाँ पर जो है कि यहाँ पर बना रखे हैं ये। और ये देखिए सुंदर सा व्यू, और बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पेड़, और सामने जो देखिए वहाँ पर बस यहाँ से आगे से पुष्कर स्टार्ट हो जाएगा। और ये घाटी भी थोड़ी बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता है बहुत ज़्यादा, हाँ। और गाड़ी आराम से धीरे धीरे चलानी होती है यहाँ पर। ये देखिए बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं, तो कभी देखते हैं हम लोग गाड़ी पर ही जाएंगे टू व्हीलर पर, और यहाँ का टूर कराऊँगा मैं अच्छी तरह से आपको। तो यहाँ पर स्पीड अपन को बिल्कुल धीरे रखनी है, बहुत ही सुंदर व्यू है इस पहाड़ियों का ये देखिए। और मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए फूल पौधे भी लगा रखे हैं, यहाँ पर इस साइड लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे फूलों के पेड़ भी हैं। और उसके बाद देखिए जो घना जंगल है वो भी आपको देखने को मिलेगा अभी। ये देखिए यहाँ से सीधे हम, ये देखिए ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं वो देखिए बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, नाग पहाड़ी है यहाँ पर कहते हैं, नाग नागिन रहते हैं बहुत सारे, तो इस कारण इसको नाग पहाड़ी। और इसकी आकृति जो है नाग के समान है, जैसे सांप होता है ना उसके प्रकार की आकृति है, तो इस कारण इसको नाग पहाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर नीचे अब हम आ चुके हैं, और यहाँ से देखिए मंदिर स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए आप नौसर घाटी पीछे रह गई थी, नौसर घाटी मैंने आपको पहले बता दी थी। और ये देखिए यहाँ से अभी और भी सुंदर सुंदर से व्यू, और देखिए गायें वगैरह बैठी हुई है जंगल में, बहुत चारा वगैरह खूब है, और पानी पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रखी है, तो पशु वगैरह खूब चराते हैं। और यहाँ पर एक बीच में एक छोटा सा गांव भी है, ठीक है, तो बहुत ही प्यारा व्यू है वहाँ का भाई। तो मैं वापस आते समय आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज एक दिन में तो ये व्लॉग पूरा होगा नहीं, लगभग हाँ दो, हाँ लगभग शायद दो व्लॉग में तो पूरा हो जाएगा ये व्यू। और यहाँ से मतलब ये इस पहाड़ी के इस तरफ यानी अभी हम जा रहे हैं उस साइड पुष्कर साइड बिल्कुल रहते नहीं रहते। और ये देखिए बहुत सारे पशु वगैरह हैं, चारे हरा चारा भी रख रखा है। तो मैं बता रहा था आपको यानी इस पहाड़ी के इस तरफ रेतीली जगह, यहाँ पर देखिएगा आप आगे जाएंगे आप तो बिल्कुल रेत उड़ती है, रेगिस्तान है, यानी इस पहाड़ी ने ही रोक रखा है इस रेगिस्तान के प्रसार को हमारे गाँव के साइड में। बाकी यहाँ तक तो पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान, और ऐसे धूल मतलब ऐसे बजरी जो होती है ना उड़ रही थी, बालू रेत जो होती है वो। और ये देखिए अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर बाद में, और पहुँचने के बाद क्या क्या काम किया वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई अभी भी मेरी कमर दुख रही है, व्लॉग तो पता नहीं कब आएगा आपके पास। पर ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ रोड के आसपास,
और सामने आ गई पुष्कर सिटी थोड़ी देर में। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े मतलब होटल वगैरह धर्मशालाएं बड़ी हुई है। और यहाँ पर देखिए ये है पशुओं को गायें वगैरह को चारा डालने के लिए, ये देखिए जगह जगह बनाए रखे लोग, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक यात्री आते हैं यहाँ पर यात्रा करने, तो वो पशुओं को चारा डाल के जाते गायों को। और यहाँ पर ये देखिए आ चुका है, मैं जो आपको गांव बता रहा था ना वही यही गांव है ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर एक मंदिर वगैरह भी है। और बंदर तो भाई पूछो मत, इतने सारे बंदर हैं इन पहाड़ियों में। यहाँ पर हर मंदिर के पास देख लो इतने बंदर हैं बहुत सारे। और ये देखिए ये एक और मंदिर आ चुका है, यानी जगह जगह आपको हर 5 मिनट जाओगे आगे उन मंदिर, फिर लगातार रोड के आसपास इतने सारे मंदिर हैं। तो आपको यहाँ से आगे पूरी घाटी में भी मंदिर है बहुत सारे जगह जगह। तो अभी हम चल रहे हैं पुष्कर की सैर करने, पुष्कर में मिलेंगे थोड़ी देर बाद में हम आपको। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू, मैं आपको वो पहाड़ी दिखाने वाला था पर क्या थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, हाँ तो नहीं पूरा दिखा नहीं पाया मैं यहाँ से, क्योंकि जो सामने की जो पहाड़ी थी ना बहुत ही सुंदर लग रही थी। और वहाँ पर भी एक मंदिर है बहुत ही बड़ा है, माता जी का मंदिर है। तो यहाँ से देखिए ये रोड का व्यू है, ये देखिए ये जो मंदिर ये जो पहाड़ी दिख रही है ना इसके बीच में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर है बहुत बड़ा। और नीचे देखिए बहुत ही घना ये जंगल देखो तो भाई, इतनी मतलब पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े हैं और जा ही नहीं सकते यार भाई, बहुत डर लगता है इन पहाड़ों को देखते हुए। और यहाँ पर दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला में, यह है वैष्णव धर्मशाला। और यहाँ पर ये देखिए बस थोड़ी अड़ रही थी, यहाँ पर शादी का प्रोग्राम था एक दिन पहले, तो इसी कारण ये देखिए ये धर्मशाला कितनी सुंदर सी धर्मशाला, वैष्णव धर्मशाला। पर जितनी सुंदर बाहर से दिख रही है उतनी अंदर से वैसे हो रही थी। तो चलिए वो मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा। और सभी लोग देखिए अब यहाँ पर उतर रहे हैं, उतरने के बाद हमें बहुत सारे जो हम सामान भर के लाए थे शिविर के लिए तो सामान उतारेंगे हम, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद का जो व्लॉग है वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो किस तरह का आज का व्लॉग आपको प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते किसी और